नमस्कार। अभी आपको मोस्ट कॉम्पिटिटिव एरिया इन बायोलॉजी की चर्चा करेंगे और आप इसे यही के यही रटने का प्रयास करेंगे मेरे साथ, क्योंकि ये छठा क्लास से आप लोग विटामिन्स और उसके कमी से होने वाले रोग की आप चर्चा करते हैं, लेकिन आप पढ़ते हैं भूलते हैं। थोड़ा ध्यान लगा के अगर मेरे साथ पढ़ेंगे आप तो आप नहीं भूलेंगे और निश्चित ही सक्सेस होंगे। देखते हैं हम यहां पर कि विटामिन, देखिए पहले से भी विटामिन की पूर्ति हम लोग करते रहते थे अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग ओकेजनों से, और फिर मानव स्वस्थ रहा। लेकिन विज्ञान जैसे जैसे तरक्की करते गया, अलग अलग विटामिन और उसकी उपयोगिता और उसके कमी से होने वाले हानि के बारे में जानकारी एकत्रित किया और इस प्रकार मनुष्य की औसत आयु में वृद्धि हुई। लोग ये कहते हैं कि मनुष्य की आयु छिन्न हो रही है, बात जो भी है, लेकिन मनुष्य पहले से ज्यादा स्वस्थ है, क्योंकि मेडिकल सुविधा बढ़ी है और साथ ही साथ हमारी आबादियां भी, अर्थात जन्म दर नियंत्रित हुआ है, लेकिन जिस दर से मृत्यु दर नियंत्रित हुआ है आबादी उसी कारण बढ़ी है। और क्यों मृत्यु दर नियंत्रित हुआ है उसके पीछे कारण है रोगों की पहचान। बहुत प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन उतना हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है। हमें अभी के टॉपिक है केवल ये जानना कि विटामिन्स और विटामिन के कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले 1911 में फंक, FUNK, फंक नामक व्यक्ति ने विटामिन की जानकारी दी। 1911 में ये फंक नामक व्यक्ति ने जानकारी दिया था। अब जब फंक नामक व्यक्ति ने विटामिन की जानकारी दी थी तो इसमें उन्होंने इतने अधिक विटामिन की खोज नहीं किया था जितने ज्यादा आज विटामिन और उनकी उपयोगिता की खोज की जा चुकी है। सबसे पहले ये देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल, रेटिना, याद रखेंगे रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल रेटिना से संबंधित है, यानी आंख से संबंधित है। इसके कमी से जीरोथैल्मिया, देखिए मैंने यहां लिखा है जीरोथैल्मिया नामक रोग हो जाता है और रात में दिखाई नहीं पड़ता। चूंकि विटामिन ए की कमी होगी तो निश्चित ही, ध्यान से धीरे धीरे सुनेंगे हड़बड़ी में नहीं, विटामिन ए की कमी होगी तो निश्चित ही आंखों की जो देखने की क्षमता है कम हो जाएगी, कम प्रकाश में, जिसे जियोथेरेपिया कहते हैं अथवा रतौंधी कहते हैं। अब रही बात, इससे त्वचा की सुंदरता भी बढ़ती है। ऐसे सुंदरता का विटामिन विटामिन सी को बोलते हैं, आंवला और नींबू को, जिससे मिलता है। लेकिन विटामिन ए भी त्वचा के सुंदरता को, उसके चमक को बढ़ाता है। ध्यान रखेंगे यह प्राकृतिक रूप से मिलता है गाजर में, सबसे ज्यादा दूध में, वो भी गाय के दूध में। ध्यान रखेंगे जो पीलापन होता है गाय के दूध में, अंडा के जर्दी में और बहुत सारे पके हुए फल में विटामिन ए मिलता है, जिसमें पपीता होता है। लेकिन अगर मांसाहारी देखें तो कॉड नामक एक मछली होती है, कॉड नामक मछली होती है, इसके लीवर वायर में ये पाया जाता है। कॉड नामक मछली के लीवर में विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है, जो बाजार में 7C के नाम से अथवा सिकॉन के नाम से मिलता है और इसका ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, कारण कि विटामिन ए लीवर में संचित हो जाता है
और जब हम उसे नहीं ग्रहण करते हैं तब भी वह हमारी आंखों को पूर्ति करते रहता है। यहाँ देखेंगे हमारे लीवर में विटामिन ए डी ई और के, विटामिन ए डी ई के एकत्रित हो जाता है और वो लंबे समय तक इसकी पूर्ति करते रहता है। यहाँ देखेंगे हम B1 मतलब थायमिन, इसकी कमी से आदमी थक जाता है, हार जाता है, थायमिन थक जाना, तो सेंट्रिक में थायमिन है, इसके कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, हमारी त्वचा सुस्त हो जाती है, चावल के मंड से जो मार निकलता है चावल का, उस मंड से इसकी पूर्ति की जाती है, उसमें बेरी बेरी नियंत्रित करने के लिए थायमिन बड़े पैमाने पर पाया जाता है। साथ ही मूंगफली से, आलू से, सब्जी से भी इसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। ऐसे मांस, कलेजी, अंडा, ये तो आप जान ही रहे हैं कि मांसाहारी में लगभग सभी विटामिन के स्रोत आपका है, मांस, अंडा, कलेजी, ये सब में आता है। आगे देखेंगे आप B2, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, B2 का साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके कमी से त्वचा फटने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं। ध्यान रखेंगे बिकोमैक्स नामक एक दवा आता है, एक स्वस्थ व्यक्ति को 5 मिलीग्राम प्रतिदिन राइबोफ्लेविन चाहिए, लेकिन बिकोमैक्स बिहार में नहीं मिलता, बिकोमैक्स दिल्ली में मिलता है, बिकोसिल में थोड़ा सा, बिकोसोल कैप्सूल में थोड़ा सा रहता है, लेकिन बिकोमैक्स में 10 mg रहता है और इस तरीके से ये बाल को झड़ने नहीं देता, हालांकि नहीं दिखने से त्वचा फट जाते हैं, आंख संबंधी रोग हो जाता है, बाल भी झड़ते हैं। अब रही बात, ये दूध से पूर्ति कर सकते हैं, अंडा से कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी से कर सकते हैं और पके हुए फल से भी हम कर सकते हैं। आगे देखेंगे B3, इसके साइंटिफिक नाम है नियाशी और इससे थोड़ा सा बुद्धि में कमी आ जाती है, अर्थात मंद बुद्धि का व्यक्ति हो जाता है, चिड़चिड़ा पर आने लगती है, बाल भी जल्दी सफेद हो जाते हैं क्योंकि उससे शरीर की जो टेम्परेचर है वो कॉन्ट्रैक्ट अमाशय के नहीं हो पाता है और आंतों की गर्मी से जो लोग कहते हैं कि बाल पकते हैं, इसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है, क्योंकि अंदर अगर अत्यधिक एसिडिटी का फॉर्मेशन होगा तो निश्चित वो त्वचा से बाहर निकलेगा और त्वचा से जब एसिडिक कैरेक्टर निकलेंगे तो जो ब्लैक पिगमेंट्स होते हैं वह आपके थोड़ा सा डैमेज होंगे और उसमें सफेदी थोड़ी सी आएगी। इसकी पूर्ति हम वही दूध, अंडा, टमाटर, मांस, कलेजी वगैरह से कर सकते हैं। दूध में भी विटामिन सी के अलावा लगभग सभी विटामिन्स होते हैं। आगे देखेंगे हम B5, ये जो है आपका पेंटाथोनिक अम्ल होता है और इससे पेलेट्रा रोग हो जाता है। पेलेट्रा माने थोड़ा सा हाथ पैर से ऐसे कांपने लगता है, जो लोग कहता है कि मामा भगिना को मार दिया है इसलिए ऐसा हो गया है, जबकि मारने से पिटने से ऐसा नहीं होता, लेकिन लोग डरवाता है कि मामा को भांजे को नहीं मारना चाहिए, इससे थोड़ा सा बचा रहे कम से कम मामा, तो लोग निकालता है, लेकिन ये रोग जो है रियल में नियाशीन की कमी, सॉरी पेंटाथोनिक कमी से होता है, मानसिक विकार पेलेट्रा, और इसमें मांस है, आलू है, हरी पत्तेदार सब्जियां है, अंडे की जर्दी है, दूध है, पके हुए फल है, इससे इसकी पूर्ति की जा सकती है। आगे है B6, पैराडॉक्सी बोलते हैं इसको, यह तो मात्रा में आपके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स का रोल अदा करता है, पैराडॉक्सी, इसकी कमी से जो है थोड़ी मात्रा में खून की कमी हो जाती है, हल्की मात्रा, ये दूध से, मांस से, सब्जी से, अंडे की जर्दी से, कलेजी से पूर्ति किया जा सकता है। अगर है आपका B7, इसको बायोटिन बोलते हैं, बायोटिन की कमी से थोड़ा सा सिर दर्द रहने लगता है और व्यक्ति को हल्का फुल्का चक्कर आता है, इसमें आप देखेंगे कि मनुष्य के लकवा की चांसेस बढ़ जाती है, इसकी पूर्ति अंडा से, दूध से की जा सकती है। अब एक बात आपको B9, ये बहुत जरूरी है, अभी के समय में B9 जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, ये बड़े पैमाने पर मनुष्य के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आयरन कंटेंट्स को बड़े पैमाने पर बढ़ाता है, इसकी कमी से व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, अर्थात खून का नाम बढ़ना इसकी कमी से होता है, अतः फॉलिक एसिड हमें लेना चाहिए, या अंकुरित अनाज हुआ, दलिया हुआ, मटर हुआ, मूंगफली हुआ, दूध हुआ, पके हुए फल हुआ, या सुपाच्य कोई भी हम लेते हैं पदार्थ, तो उससे हमें फॉलिक एसिड की प्राप्ति हो जाती है।
अब एक बात B12 ये बहुत जरूरी है, वाटर सोल्युबिलिटी सभी है, ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये है साइमोकोबेलमिन। साइमोकोबेलमिन जो है इसको भी कॉम्प्लेक्स करते हैं और इसकी कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, अर्थात खून की कमी हो जाती है। अतः इसे हमें नियमित रूप से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि साइमोकोबेलमिन में जो कोबाल्ट पाया जाता है, आपको यही कोबाल्ट बोन मैरो में जाकर और ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है। देखिए उन्हें इस कोबाल्ट की इतनी भूमिका है कि यदि कैंसर हो जाते हैं तो इसी कोबाल्ट से सिकाई की जाती है और इस प्रकार जो है कैंसर के ऊतकों को डेथ करके और फिर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। यह काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी वाटर सोलोबुल है, इसलिए बॉडी में स्टोर नहीं होता और इसे नियमित रूप से हमें लेना चाहिए। साइमोकोबेलमिन जो है आपको मांस में, दूध में, कलेजी में, पके हुए फल में, सब में मिलने से आम हुआ, पपीता हुआ, जो भी पका हुआ फल है नेचुरल रूप से उसमें ज्यादा साइमोकोबेलमिन मिलता है। अब एक बात आपको विटामिन सी, हम लोग बच्चे थे तो लोग कहता था कि मर्चा खाने से सियाता है आदमी, तो मर्चा में विटामिन सी ज्यादा होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विटामिन सी सबसे ज्यादा नेचुरल रूप से आंवला में पाया जाता है, तत्पश्चात साइट्रिक प्रकार की जितनी फल है जैसे नींबू हुआ, कागे नींबू हो, संतरा हो, गागर नींबू हो, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। अक्सर करेंगे मैं वीडियो में बोल रहा हूँ आपको, यूट्यूब पर आप देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अरहर के दाल में भी, अरहर के दाल में भी विटामिन सी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। और ध्यान रखेंगे छोटे बच्चों में चूंकि विटामिन सी भी वाटर सोलोबल विटामिन है, यानी कि ये जो बी है और सी है ये आपको H2O में घुल जाता है, तो छोटे बच्चे तो दूध पीते हैं, उनको विटामिन सी की पूर्ति कैसे होती है? तो ध्यान रखेंगे कि दूध से ही बर्खास्त परिस्थिति में विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे लिवर में बोन मैरो की अनुपस्थिति में या कमजोर होने की स्थिति में, भ्रूणावस्था में अथवा जन्म लेने के बाद भी ब्लड का फॉर्मेशन करता है, उसी ढंग से विटामिन सी का फॉर्मेशन भी थोड़ी मात्रा में कर लेता है, जिससे बच्चों के न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। हमारा लिवर बड़ी काम का चीज है, ध्यान रखेंगे। अब एक बात आपको विटामिन डी की, ये विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन सी का साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया, बिहार दरोगा और बीपीएससी ने यही पूछा था, ये नहीं कि रिकेट्स पूछा था कि ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन के कमी से हो जाता है, तो हमें इन सब चीजों को भी जानना पड़ेगा, ये न कि केवल रिकेट्स को जानना पड़ेगा। तो यह बीमारी जो है विटामिन डी के कमी से हो जाती है, और ध्यान रखेंगे सूर्य के प्रकाश में ये बड़े पैमाने पर हमारी त्वचा जो है इस विटामिन का निर्माण कर लेती है, इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, और हमारी त्वचा बना लेती है। अगर इसकी पूर्ति छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में न हो तो जॉन्डिस होने का खतरा हो जाता है, इसलिए देखिए अगर डॉक्टर राय देते हैं कि नवजात शिशु को आप सुबह के धूप दिखाइए, जिससे आपका विटामिन डी का फॉर्मेशन हो सके, और विटामिन डी जब लीवर में जाता है तो लीवर के भी फंक्शन बढ़ जाते हैं और ऐसी स्थिति में इम्यून सिस्टम भी डेवलप होता है। अभी कोरोना काल में देखे होंगे विटामिन डी लेने की भी सलाह दी जा रही थी, तो इस तरीके से सूर्य के प्रकाश में नेचुरल रूप से मिल जाता है, थोड़ी मात्रा में दूध में और अंडा में भी, कलेजी में भी विटामिन डी प्राप्त होते हैं, इससे हड्डियां काफी मजबूत होती है। विटामिन ई, इसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल, अगर टोकता खो गया व्यक्ति को तो नपुंसकता आ जाती है, वही है टोकोफेरॉल। तो आदमी को जो है अंकुरित अनाज खाना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष, यहाँ नपुंसकता शब्द है, इसका अर्थ सीधा सा है कि मनुष्य में जो है सेक्स की इच्छा या जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो विटामिन ई की आवश्यकता ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के लोग अंकुरित गेहूं का सलाद बनाकर खाते हैं, जिससे उनको विटामिन ई की पूर्ति हो सके। ऐसे बाजार में कृत्रिम रूप से दवा के रूप में टोकोफेरॉल मिलता है, और त्वचा की सुंदरता के लिए भी लोग विटामिन ई का प्रयोग करते हैं, उसके कैप्सूल लगकर हाथों में बलकर और लोग त्वचा पर लगा लेता है, जिससे त्वचा की सुंदरता बढ़ जाती है, थोड़ी देर बाद धो लेता है, इससे बाल में भी लोग लगाता है और इस तरीके से बाल के झड़ने भी थोड़े से कम हो जाते हैं।
बाजार के कैप्सूल से, लेकिन आपको खाना हो तो अंकुरित चना खाइए, अंकुरित गेहूं खाइए। अंकुरित अनाज से विटामिन ई नेचुरल रूप से मिलता है और वो भी हमारे ए और डी के साथ ई भी लीवर में स्टोर हो जाता है। अब रही बात आपको विटामिन के, इसे थीलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है थीलोक्विनोन। अब विटामिन के की यदि कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता, नहीं जमेगा तो अबाधित रक्त बहते रहेंगे। ऐसी स्थिति में देखे होंगे कई बार महिलाओं को जब अत्यधिक ब्लीडिंग होती है तो उन्हें क्लॉट मेडिसिन लेना पड़ता है या सीवीपी मेडिसिन लेना पड़ता है। तो इस ढंग से चाहे क्लॉट मेडिसिन हो या सीवीपी मेडिसिन हो, ये सभी के सभी आपको रोकने या स्टाइटोफिन नाम से आता है, ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है क्योंकि इसमें विटामिन के होता है। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से कोई दवा नहीं लेना चाहिए। अब रहा कि विटामिन के का फॉर्मेशन, तो जब हम अनाज खाते हैं और हमारे छोटी आंत से वो बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां उदा ए कोलाई नामक एक जीवाणु होता है, उसका नाम है उदा ए कोलाई। ध्यान से देखेंगे उदा ए कोलाई, ये उदा ए कोलाई नामक जीवाणु जो है ये अनपचे भोजन को पचाने का काम करते हैं जो बड़ी आंत में हमारे होते हैं, और फिर वो विटामिन के छोड़ते हैं, वह के बड़ी आंत से हमारे लीवर में आ जाता है और इस प्रकार लीवर में विटामिन के भी स्टोर हो जाता है। अब चूंकि हमारे ब्लड में ही रहता है, लीवर में ही रहता है, फिर हमारे शरीर में जब ब्लड अंदर रहते हैं तो क्यों नहीं ब्लड जमता है। तो शायद आपको पता होगा कि हिपेरिन नामक एंजाइम जो है वो ब्लड को क्लॉट करने नहीं देता है, थक्का पड़ने नहीं देता है, और मच्छर में जोंक में ये हिपेरिन होता है जो जहां भी डसते हैं वहां पर जो है हिपेरिन थोड़ा छोड़ देते हैं, अबाधित ब्लड निकालते रहते हैं। डॉक्टर भी जब हमारे से ब्लड लेते हैं जिसमें हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वैसी स्थिति में थोड़ी मात्रा में हिपेरिन हमारे वेन में डाल देते हैं और इस प्रकार अबाधित जो है ब्लड निकालते रहते हैं। अगर फिर जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है तो फिर थोड़ी सी हिपेरिन उसमें डालते हैं। इस प्रकार हमारे नसों में हिपेरिन की मात्रा होती है और फिर वो ब्लड नहीं जमता है, लेकिन हवा में आते ही हिपेरिन उड़ जाता है और फिर विटामिन के सक्रिय हो जाता है जिस कारण हमारे ब्लड क्लॉट हो जाते हैं और रक्त का थक्का जम जाता है। अब रहा कि विटामिन के कमी से जितने भी हमारे शरीर में रोग होते हैं वो सबके सब फंक्शनल डिजीज है, यानी कि कार्यात्मक रोग है। यदि विटामिन की कमी आदमी में होने लगे तो व्यक्ति के इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब होगी, भोजन करने की मन भी नहीं करेगा, आदमी एनर्जेटिक महसूस नहीं करेगा और वैसे स्थिति में धीरे धीरे जो भी रोगाणु हमारे शरीर में है प्रविष्ट हो जाएंगे। अतः हमें नियमित रूप से विटामिन वाले भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और प्रतियोगिता परीक्षा में इस चार्ट को पूरी तरह रट जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।